भिकनगांव नगर और आसपास के नदी नालों में हो रही काली रेत की अवैध खनन माफियाओं का यह सिलसिला लगातार चल रहा है, जिसमें खरगोन कलेक्टर के निर्देश से भिकनगांव में खनिज के अमले के अधिकारियों ने प्रियंका अजनार सहित संयुक्त टीम शनिवार को भिकनगांव नगर में पहुंची, जिसके साथ ही राजस्व विभाग की टीम के साथ तहसीलदार देव कुमार सोलंकी और नायब तहसीलदार ममता मेमरोड ने आला अधिकारियों के साथ अमनखेड़ी रोड स्थित पानी की टंकी के पास बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर पर भंडारित बालू रेत की कार्यवाही की। वहीं संयुक्त टीम ने ऐसे ही चार जगह कार्यवाही की, जिसमें झिनिया रोड, मंडी रोड, मेन रोड सहित कार्यवाही की गई। खनिज अधिकारी ने एक ट्रैक्टर पकड़ा और कार्यवाही की। राजस्व विभाग और खनिज विभाग द्वारा बालू रेत की नाप कर पंचनामा बनाया गया। भिकनगांव से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। भिकनगांव क्षेत्र में आपने कुछ कार्रवाई की है, क्या मामला है? काफ़ी टाइम से भिकनगांव क्षेत्र में स्टॉक की शिकायतें आ रही थी कि रेत का स्टॉक मतलब काफ़ी जगह पर किया जा रहा था। तो आज कलेक्टर मैडम के और अनुविभागीय अधिकारी भिकनगांव के मार्गदर्शन में यहां पर रेवेन्यू और माइनिंग की संयुक्त टीम के साथ में स्टॉक पर इलीगल स्टॉक्स पर कार्रवाई की गई और प्रकरण दर्ज किए गए। भिकनगांव के अलावा और भी कई जगहों पर किए? आज भिकनगांव क्षेत्र में ही किए गए हैं मोस्टली। मैम, कुछ दिनों से बहुत सारी शिकायतें चल रही है, मीडिया रिपोर्ट्स भी है कि रेत का अवैध खनन नदी और नालों से किया जा रहा है बड़े पैमाने पर, उसको लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है? कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग भी, रेवेन्यू भी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।